Question number 11. Write a program to input a single number from 0 to 9 and print the word in English representing this number using switch statement. Now program. In C++, to print numbers 0 to 9 in English words, first of all, include all the header files. Include on io.h. Now next is the main function. अब हमने using switch statement इनको print करवाना है, ठीक है? अब स्विच स्टेटमेंट से प्रिंट करवाएंगे, उसके लिहाज से वैल्यूज क्या होनी चाहिए कंसीडर करते हैं. इंटीजर टाइप वेरिएबल एन लिख लेते हैं, ठीक है? और यूजर से एंटर करवाते हैं, एंटर एनी इंटीजर फ्रॉम 0 to 9. पहले क्लियर स्क्रीन की कमांड भी लिख देते. नाउ स्विच स्टेटमेंट, स्विच स्टेटमेंट हमने किसके ऊपर अप्लाई करनी है? स्विच स्टेटमेंट हम अप्लाई करेंगे इस इंटीजर एन के ऊपर और इसमें चेक करेंगे डिफरेंट केसेस. And now we start the body of the switch statement. Case, first case, operator is 0. Print 0. ब्रेक, ताकि आपका केस कंप्लीट हो जाए. नेक्स्ट केस 1, अगर 1 एंटर किया है इंटीजर की वैल्यू तो प्रिंट करवाए 1. देन ब्रेक. नेक्स्ट केस फॉर 2, और इसी तरह हम एंटर करते जाएंगे अप टिल 9. केस हो गया 3, बाद ब्रेक. आफ्टर एवरी केस वी हैव टू यूज द ब्रेक स्टेटमेंट, रिमेंबर दैट. केस 4, के लिए 4 प्रिंट करवाएं, ब्रेक. नेक्स्ट 5, इंग्लिश में
5 प्रिंट करवाएं, ब्रेक स्टेटमेंट का पर्पस क्या है, ब्रेक स्टेटमेंट टर्मिनेट कर देगा स्विच की बॉडी को और फर्दर एग्जीक्यूशन ऑफ द चेकिंग ऑफ द केसेस नहीं होगा। एक दफा उसने मैच कर लिया उसके बाद स्टॉप हो जाएगी केसेस के साथ मैचिंग और प्रोग्राम जो है वो स्विच स्टेटमेंट की बॉडी में से बाहर आ जाएगा। सेवन तक हमने कर लिया, लास्ट में हमारे दो रह गए 8 और 9। केस 8, लास्ट में व्हाट इज लेफ्ट इज 9। के लिए 9 प्रिंट करवा दें। लास्ट में डिफॉल्ट इज एन ऑप्शनल स्टेटमेंट, आप डिफॉल्ट भी यूज कर सकते हैं, मे बी के यूजर जो है वो बाय मिस्टेक इंस्टेड ऑफ 0 to 9 कोई और इंटीजर एंटर कर देता है, तब वो डिफॉल्ट स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट हो सकती है। नंबर इज ग्रेटर, क्या कहेंगे, नंबर इज नॉट फ्रॉम 0 to 9। यहां पे एंड हो जाएगा स्विच स्टेटमेंट की बॉडी। After that, return 0. अब यहां पे आप देख सकते हैं कि स्विच स्टेटमेंट के अंदर नंबर ऑफ केसेस हैं। अब यूजर ने कोई भी एन की वैल्यू एंटर करेंगे, यूजर 0 से 9 तक कोई भी वैल्यू एंटर करेगा, जो वैल्यू एंटर करेंगे जो केस के साथ मैच करेंगे वो उसकी सी आउट वाली जो स्टेटमेंट है वो प्रिंट हो जाएगी स्क्रीन पे। अब इसको कंपाइल करते हैं। हमने हेडर फाइल इंक्लूड करवाया हुआ है, इंक्लूड conio.h, ओके लीट। अभी हम इसको पहले वैसे ही एग्जीक्यूट करवाते हैं, इसको चेक कर लेते हैं। अच्छा, प्रोग्राम हमारा सक्सेसफुली कंपाइल हो गया, अब रन करते हैं। अब कंसीडर करते हैं कि मैं एंटर कर रही हूँ 7, 7 इज प्रिंटेड। नेक्स्ट इसको दोबारा एग्जीक्यूट करवाते हैं। नाउ आई एम एंटरिंग 3, 3 इज एग्जीक्यूटेड। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर हम अगर कंसीडर करते हैं इंस्टेड ऑफ 0 to 9 कोई और एंटर करवा रहे हैं, नंबर इज नॉट फ्रॉम 0 to 9, जो डिफॉल्ट वाली स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट हो रही है। जैसे कि हमने डिफॉल्ट में लिखा था कि अगर इंस्टेड ऑफ 0 to 9 कोई और कैरेक्टर एंटर करे तो ये आपकी स्टेटमेंट जो है उसमें उसको शो करवाना चाहिए। ठीक है, तो वो इस तरह से शो करवा रही है, ये आप ये स्टेटमेंट देख सकते हैं। इसमें 0 से 9 तक डिफरेंट केसेस हैं और हर केस के अकॉर्डिंग
आपकी कंडीशन चेक होगी और कंडीशन चेक होने के बाद जिस केस के साथ कंडीशन ही जिस जो एक्सप्रेशन है वो चेक होगी और जिस एक्सप्रेशन के साथ वो मैच करेगा वो आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो दिस वॉज योर प्रोग्राम नंबर, एक्सरसाइज का प्रोग्राम था और एक्सरसाइज के प्रोग्राम के अंदर चैप्टर नंबर 2 ऑफ इकमान सीरीज का एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन है। यूजिंग स्विच स्टेटमेंट हमने प्रिंट करवाना था 0 से 9 तक इंटीजर्स को इन इंग्लिश लैंग्वेज, और ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 है। यहाँ पे L की मिस्टेक थी क्लियर स्क्रीन में, उसका हमने सिंटैक्स गलत लिख दिया था, तो अब वो क्लियर स्क्रीन का हमने सही लिखा, तो अब ये एग्जीक्यूशन बिल्कुल ठीक हो रहा है।